हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक विच कई अहम योजनावां नूं मंजूरी दित्ती है। इन्हां विच सरकार ने गोल्ड बॉन्ड अते गोल्ड मुद्रीकरण योजनावां तों इलावा दूर संचार कंपनियां लई स्पैक्ट्रम हिस्सेदारी नियमां नूं मंजूरी दित्ती। मंत्रिमंडल की बैठक तों बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि दोवें योजनावां उपयोग दे नजरिए तों सुरक्षित अते आर्थिक रूप नाल वध स्थित है। स्कीम तहत हुण साल विच वध तों वध 500 ग्राम गोल्ड बॉन्ड खरीद सकेगा, जिस ते सरकार व्याज देवेगी। चोन कमिशन ने कल बिहार विधानसभा चोणां दीआं तरीकां दा ऐलान कर दिता है। बिहार विच पांच पड़ा तहत चोणां करवाईआं जाणगीआं। चोन प्रोग्राम दे ऐलान दे नाल ही बिहार विच अज तों ही चोन जाबता लागू हो गया है। बिहार विच इस वार दीआं चोणां कई पक्खां तों महत्वपूर्ण ने, जिथे आरजेडी जनता दल यूनाइटेड ते कांग्रेस दे महागठजोड़ दा मुकाबला बीजेपी दे नाल है। दस दईए कि बिहार विच कुल 243 विधानसभा सीटां ने अते कुल 6,68,00,000 वोटर ने। बिहार विच चोणां 12 अक्टूबर तों 5 नवंबर तक होणगीआं अते नतीजे 8 नवंबर नूं आणगे। बिहार दे मुख मंत्री नीतीश कुमार ने चोण तरीकां दे ऐलान दा स्वागत कीता है। Be conducted in five phases. The first phase of election, the date of notification will be 16th September 2015, and date of poll would be 12th October 2015, that is Monday. The date of notification for phase two would be 21st September, and date of poll would be 16th October 2015. Phase three, and date of poll would be 28th October. Now we go to phase 4 and date of poll is 1st November. Phase 5, the date of notification is 8th October and date of poll is 5th November. The date of counting for all phases together, as you know, would be 8th November. केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार हुण खत्म हो गया है। कैबिनेट ने अपनी अहम बैठक विच केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डीए 6% वधाउण का ऐलान कर दिता है। महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2015 तो लागू होगा। बिहार चोणां दीआं तरीकां तो पहला सरकार का ऐलान काफी मायने रखता है। इस नाल ही केंद्रीय मुलाजमान का डीए 113 तो वध के 119% हो गया है। शीना मर्डर केस की तफ्तीश विच जुटे मुंबई पुलिस के साबका कमिश्नर राकेश मारिया ने अचानक प्रमोशन दिते जाने ते खुले तौर ते कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जानकारी मुताबिक वह अपने अहुदे तों इस्तीफे दे सकते हैं, पर हुण उन्होंने इस तों इनकार किया है। इस बारे सफाई देंदे उन्होंने कहा कि इस्तीफे दीआं अटकलां सही नहीं ने अते वह अपने अहुदे ते बने रहेंगे। शीना मर्डर केस विच मारिया की निजी दिलचस्पी कारण उन्होंने नजदीकी लोगों ने दसिया कि खाद थाने की पुलिस वालों इंद्राणी और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार करने से मारिया का रवैया कुछ अजीब सी। चिटफंड कंपनियों वालों लोगों को गुमराह करके वड्डे पद्धर से किए जा रहे कपलियां का सख्त नोटिस लेंदे वित्त मंत्री सरदार परमिंदर सिंह ढींडसा ने कहा कि लोगों नाल जालसाजी करके पैसा बटोरन वालियां इन्हां कंपनियां दे खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई तहत इन्हां कंपनियां दे मालकां नूं करोड़ां रुपए के जुर्माने होने दे नाल नाल इन्हां दीआं जायदादां भी जब्त हो सकदियां ने। इन्हां विचारां दा प्रगटावा परमिंदर सिंह ढींडसा ने संघ दर्शन दौरान मंडेर कला विखे पत्रकारां नाल गलबात करदिआं प्रगट कीता। इस तों पहलां वित्त मंत्री ने पिंड साहोके मंडेर कला अते बुगरां विखे संबोधन करदिआं कहा कि संघ दर्शन राही लोक समस्या दा हल करना श्रोमणी अकाली दल सरकार दा मुख उद्देश है। होर वर्ग दियां सांझे काम ने उन्हां वास्ते असीं ग्रांटां भी अज मंजूर कीतियां अते जिहड़े कोई होर दुख तकलीफां ने लोकां दियां उहदा भी मौके ते साडे सारे नाल अधिकारी ने उह सारा असीं मौके ते हल कीता है ते काफी जिहड़ा इहदे नाल लोकां नूं फायदा भी हुंदा। महाराजा रणजीत सिंह टेक्निकल यूनिवर्सिटी हाले बनाई जा रही है, पर इस दे बनन तो पहला ही इस यूनिवर्सिटी नूं लेके विरोध शुरू हो गया है। अते इस नूं लेके पंजाब अनएडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस एसोसिएशन पुटिया दी मीटिंग डॉक्टर जे एस तारीवाल दी अगुवाई हेठ हुई, जिस विच पंजाब सरकार तों इह मांग कीती गई कि उह नवीं बन रही महाराजा रणजीत सिंह स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी वल्लों पंजाब दे 11 जिलियां दे कॉलेजां दी मानता देण दे फैसले तों पहला इक वार मुड़ इस मामले ते विचार करे। डॉक्टर तारीवाल ने दसा कि वक्त-वक्त कॉलेजां दे विद्यार्थियों वल्लों इसका विरोध शुरू हो गया है।
पुटिया पंजाब सरकार के फैसले का पूरा सहयोग कर रही है, पर इस समय राज्य के कॉलेजों में बनी तनावपूर्ण स्थिति को जानना जरूरी है। डॉक्टर अंशु कटारिया वाइस प्रधान ने आख्या कि पिछले 18 साल तो पंजाब सिक्ख्या के खेत्र में होर राज्यों के विद्यार्थियों लिए उभर के आया है। राज्यों के 500 विद्यार्थी जेकर इमीग्रेशन लेंदे ने तो सरकार को 200 करोड़ रुपए का घाटा पवेगा। इसलिए आगुआ ने पंजाब सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि वह इस साल के विद्यार्थियों पीटीयू में ही रखे और नवी यूनिवर्सिटी को चंगे तरीके से शुरू करे। रुक कर लेने हुण बठिंडा वल। बठिंडा विच विजिलेंस विभाग ने एक पटवारी 20,000 रुपए रिश्वत लेंदे रंगे हथी काबू किया। जानकारी मुताबिक बठिंडा के पिंड दियोण के किसान के इंतकाल के बदले पटवारी श्याम लाल ने 50,000 की मांग की, पर सौदा 30,000 रुपए विच तय होया। इसकी जानकारी विजिलेंस विभाग को दी गई, जिससे कार्रवाई करदिया विजिलेंस विभाग ने पटवारी रिश्वत की रकम समेत रंगे हथी काबू कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोहाली विखे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन संबंधी 11 सितंबर दौरे के मद्देनजर खरड़ के डीएसपी राम मलविंदर सिंह मराड़ ने खरड़ सब डिवीजन के एसएचओ साहिबाना के नाल सुरक्षा प्रबंधन नूं लैके अहम मीटिंग की। पत्रकारां नाल गलबात करदियां खरड़ के डीएसपी राम मलविंदर सिंह मराड़ ने दस्सिया कि प्रधानमंत्री के दौरे नूं देखते हुए खरड़ सब डिवीजन विच सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए ने अते मुख्य थावां ते पुलिस तैनात की गई है। जिन्नी भी सिक्योरिटी है जिन्ना भी हाईवे जिन्ना पब्लिक ने आना रैली वास्ते जिवें कोई होर ऑफिसर जिहड़े कोई लीडर जो आ रहे हैं उन्होंने वास्ते असीं सारे रूट से नाके लगाए हैं। उस तों बाद चैकिंग चल रही है, जिन्हें पीजी जिन्हें होटलों की असीं चैकिंग चला रहे हैं। मालवा खेतर विच नरमा पट्टी के किसानों वल्लों चिट्टे मच्छर ते तेले नाल तबाह होए नरमे की फसल नूं वाहुण दे सिलसिले जारी ने। पंजाब विच किसानी की बिगड़ती हालत नूं वेखदे होए पंजाब सरकार वल्लों दिते गए गिरदौरियां दे निर्देशां तहत सब डिवीजन एसडीएम नरिंदर सिंह तालीवाल की अगवाई वाली टीम ने पिंड महराज विच किसानां दी तबाह हुई फसल का जायजा लिया। पत्रकारां नाल गलबात करदियां एसडीएम ने किसानां नूं गिरदौरी उपरंत बणदा मुआवजा देण का भरोसा दिता है। प्रॉब्लम पता नहीं कहदे चा जी 650 किस्म लाई सी जी, ये 45,000 नूं ठेके ते लैता सी जी, असीं ते 10 स्प्रेहां कीतियां जी, ऐ मन के चलो 3 किले नरमा सी। खबर तरन तारण तो है। तरन तारण के पिंड माड़ी उद्दोके विखे एक नवयौता की लाश मिलन नाल इलाके विच सनसनी फैल गई। जानकारी मुताबिक मृतका मनदीप कौर का विआह 6 महीने पहला होया सी अते उह अपने पेके पिंड रखड़ी बनन दे संबंध विच आई सी, जिथे कि उसका कतल किते जाण दा शक जताया जा रहा है। मौके ते पहुंचे पुलिस अधिकारी ने दस्सिया कि मामले की छानबीन की जा रही है, जिस आधार ते अगली कार्रवाई की जाएगी। ਪਿੰਡੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਖੈਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਮ ਕੇ ਪਥਰਾਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਥਰਾਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਧਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਟਿਕਟ ਹੀ ਲੈਣ। दूसरे पासे डीएसपी गुरबचन सिंह स्थिति काबू विच होण दी गल करदे नजर आए, पर स्थिति दा अंदाजा कैमरे दीआं तस्वीरां बेहतर बयान कर रही। ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੁਰ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਟੰਬਿਆਂ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ